छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते कई स्थानों में 40 से 45 डिग्री तक तापमान होने के कारण जनजीवन पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर तेज हवा और बादल की गरज के साथ जोरदार बारिश होने से जनता को काफी राहत प्राप्त हुई एवं कुछ क्षण के लिए गर्मी से भी राहत पहुंची। कई स्थानों पर तो तेज हवाओं के चलते कई वृक्ष गिरकर मार्गों पर पड़े देखे गए। पिछले 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में रुक रुक के मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ इस तूफानी हवा में टूट गए, जिसके चलते कई स्थानों की बिजली नहीं होने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री कलोता विद्यापीठ में आयोजित साधारण आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में माननीय विधायक ने स्कूल में एक बोरिंग, एक मोटर दी। विद्यालय परिसर में ग्राउंड फ्लोर पर फर्श लगाने की घोषणा की व स्कूल में शिक्षा के स्तर पर चर्चाएं हुई। समाज में फैली कुरीतियों पर बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जोर दिया गया और कहा गया कि जो बालिका है 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहती है, उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था मैं स्वयं विधायक अपने खर्च पर करूँगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे वक्ताओं की बढ़ने की इच्छा थी, पर समय अभाव के कारण थोड़ा नहीं हो सका। हम उनसे क्षमा चाहते हैं और आप सभी से अपेक्षा रखते हैं। स्कूल में आकर कार्यक्रम वार्षिक साधारण सभा के आयोजन में आप पधारे हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अखिल भारतीय क्षत्रिय कलोता समाज का एकमात्र स्कूल देवापुर क्षेत्र में है और इस स्कूल के अंदर जो है आज एक सम्मेलन रखा गया था, जो वार्षिक साधारण सभा जिसे बोलते हैं। इस वार्षिक साधारण सभा में आए हुए पर पत्रक और कितना घाटा नुकसान और आगे हमको क्या योजना बनाना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए और समाज की उन्नति कैसे हो, बच्चे कैसे बढ़े और लाभ कैसे हो और पढ़ाई और शिक्षा में किस प्रकार हम आगे की ओर पहुंचाए, क्योंकि दीपालपुर क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इसलिए कलोता विद्यापीठ को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाए, इसलिए समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाया था, आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और आगे भी जो है सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना चल रही है। आपके द्वारा समाज हित में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताएं, उनके बारे में। ये बात सत्य है कि सामाजिक दृष्टि से अपने कार्यक्रम बहुत करवाते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें, अपना कांवड़ यात्रा है, चुनरी यात्रा है, या सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम चलता है, रोज कहीं ना कहीं होता रहता है। समाज किस प्रकार से एक हो, हिंदू समाज की संस्कृति में कोई बिखराव ना हो, हिंदू समाज की सब बातें हो, 4, 6, 7, 18, 108, 19 उसके मामले में ज्ञान हो और हमारी प्रगति किस प्रकार हो, समाज की प्रगति किस प्रकार हो, हिंदू समाज एक कैसे हो, उसके लिए अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं और वो काम सबके सहयोग से होता रहता है। आपका शुभ नाम? हरी राम सोलन के समाज समरसता जिला सहयोग। कलोता विद्यापीठ में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया आपके द्वारा, तो किस प्रकार आयोजन में आपके द्वारा तैयारी के लिए? ये पूरे जो स्कूल का आयव्यय होता है और प्रस्तावित बजट प्रस्तुत करना है और पिछले 2 साल का आयव्यय का खर्च का विवरण दिया है और आगे स्कूल के लिए प्रोसेस के लिए जो भी लाइब्रेरी स्कूल खेल का मैदान अच्छी व्यवस्थाएं देना उसके बारे में प्रस्तावित बजट कार्यक्रम रखा है। आपका शुभ नाम? राम सिंह। क्या पोस्ट है आपकी यहाँ? चेयरमैन। विद्यापीठ में कार्यक्रम जो चल रहा है वार्षिक साधारण सभा के रूप में रखा गया है, इसमें आप पधारे, तो इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? एक समाज की एक बड़ी धरोहर है, हम सौभाग्यशाली है, समाज के नाम पर एक मात्र शिक्षा का एक केंद्र जो बना हुआ है उसके हम सब कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को कहीं तो बनता है समाज की धरोहर को और ज़्यादा ऊँचाइयाँ तक लेके जाए और पूरे विश्व पटल पर इसका नाम है। आज जो सभा हुई इसमें कहीं ना कहीं जो कमियां थी उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे फंड जनरेट कर सकते हैं, कैसे लोगों की जो फीस जमा नहीं हो पा रही है उनको कैसे हम सब कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, किस स्तर पर इस संस्था को ऊंचाइयां दे सकते, इसकी आज मीटिंग लगी थी और वही संपन्न हुई। समाज को नई दिशा के देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हमेशा प्रयास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं वो गरीब वर्ग हो या उच्च वर्ग का, हर एक व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से उसको पढ़ने का अधिकार है और जो व्यक्ति असमर्थ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चियाँ हमारे समाज की
जो पढ़ना भी चाहती हूँ ट्वेल्थ के बाद कॉलेज, उसका संपूर्ण खर्च और फीस का खर्च वो मैं खुद उठाता हूँ। काफ़ी बच्चियाँ मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। उसका मैसेज भी मैं पूरे समाज को देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सक्षम है उसको खुद को समझना चाहिए और शिक्षा का स्तर बढ़े ताकि समाज उन्नत हो सके, देश के अंदर लाभ हो सके।